गोवा में इतना सन्नाटा क्यों भाई? वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक चर्च वहाँ पे दिख रहा है हमें। तो वैसे मैंने सोचा नहीं था कि बाइक से मैं गोवा आऊँगा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। सो या मैं अभी हूँ गोवा में। टुडे इज़ डे वन ऑफ माय गोवा ट्रिप। आई होप आप लोगों ने पार्ट वन देखा होगा जहाँ मैंने ट्रैवल किया था बैंगलोर से गोवा। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। दिस इज़ पार्ट टू और टुडे इज़ डे वन। अभी मैं हूँ अपने होम स्टे में। द नेम ऑफ द होम स्टे इज़ बेला होम स्टे। और कल रात में ही मैं यहाँ पे चेक इन किया अराउंड 7 o'clock, क्योंकि रात हो गया था मुझे गोवा पहुँचते। चेक इन करने के बाद रेस्ट करने का तो मौका मुझे मिला नहीं। मैं चला गया फिर डिनर करने के लिए, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोर की लगी थी। डिनर करके आने के बाद फिर मैं ऑफिस का काम में लग गया 10 बजे रात से, और सुबह तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला रेस्ट करने का। मॉर्निंग में मुझे 3 से 4 घंटा टाइम मिला था थोड़ा सा सोने का, तो मैं सो करके अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है होम स्टे में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे बाहर प्लेसेस एक्सप्लोर करने, घूमने फिरने, देखते हैं। द टाइम राइट नाउ इज़ 9 o'clock। मैंने कुछ कुछ बीचेस और कुछ कुछ फोर्ट्स देख करके रखे हैं, तो वहाँ हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, आज का दिन हमारा कैसा जाता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। सो या स्टे विद अस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। डिसेंट है, आई मीन ये होम स्टे डिसेंट है। लोकेशन भी ठीक ही ठाक है। पार्किंग का मुझे स्पेस इधर अंदर मिला नहीं था, मुझे रात में बाहर ही पार्क करना पड़ा था बाइक। इधर खड़ी है अपनी बाइक, धूप में गर्म हो गई। ये है होम स्टे, और भी यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे है। चलो चलते हैं फिर। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ केलंगुट बीच, जो कि दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स यहाँ से, और मैंने सुना है वो बीच काफ़ी पॉपुलर है। लेट्स सी। सो या वहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आज का दिन। ऑल दो मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, बट कोई नहीं, अभी चलते हैं बीच को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं बीच कैसा है वहाँ पे। और भी बहुत सारे बीचेस हैं यार। गोवा के रोड कितने खाली खाली है। आई मीन कल रात में भी जब मैं आ रहा था, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा लोग यहाँ थे नहीं, ज़्यादा गाड़ी वगैरह था नहीं। और सबसे पहले तो मुझे अभी पेट्रोल फिल कराना है बाइक में, क्योंकि बाइक में अभी पेट्रोल है नहीं, सिर्फ 30-40 किलोमीटर्स का रेंज होगा। ओ भाई, यहाँ से व्यू देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा अपहिल में है, ये अभी मैं डिसेंड हो रहा हूँ इधर से। यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ अच्छा खासा गर्मी होगा, बट अभी तो फ़िलहाल वैसा है नहीं। लाइक ठंडी हवा, धूप है बट ठंडी हवा भी चल रही है, तो गर्मी का you know, ज़्यादा एहसास नहीं होता है। लाइक ह्यूमिड उतना नहीं है जैसे कि नॉर्मली जो भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी तो मुझे वैसा ज़्यादा वैसा कुछ फील हुआ नहीं। और अभी हम हैं एक ब्रिज में, ये ब्रिज का नाम क्या है पता नहीं, वो देखो, ये ऊपर वाला जो ब्रिज है इसमें 2-व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली 4-व्हीलर। फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिला, बट 2-व्हीलर का एंट्री इधर से है, और ये लंबा लाइन लगे हुए सब पेट्रोल के लिए खड़े हैं। ये एक मॉल है, मॉल दे गोवा, मॉल दे गोवा, सही ना। और ये कोई मार्केट प्लेस लग रहा है,
इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, शॉप्स दिख रहे हैं। रोड्स यहाँ वैसे काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। लाइक कल मैं जब आ रहा था गोवा, जब मैं एंटर कर रहा था, उस वक्त तो रात हो गया था, मैं आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं सका था, बट जो रास्ता था वो घाट सेक्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था, रोड्स बहुत अच्छे थे, बाइक चलाने में जो मज़ा है ना उस घाट सेक्शन में। बट कल मैं उतना इंजॉय कर नहीं सका, क्योंकि पहली बात तो रात हो चुकी थी, तो उस वजह से यू नो घाट सेक्शन तो पूरा अंधेरा वैसे भी रहता ही है, तो उधर थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। सीन्स वगैरह तो इन्जॉय कर नहीं सके क्योंकि पूरा अंधेरा था, बट या वो घाट रोड बहुत ही अच्छा था। अभी मैं बोल रहा था कि गोवा में ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, और यहाँ देखे ट्रैफिक में फंसे हुए हम। ट्रैफिक है, मुझे ऐसा लगा था कि उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रहा था उधर थोड़ा सा पीसफुल एरिया है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा व्हीकल का मूवमेंट उस तरफ नहीं है, तो मुझे लगा कि भाई ये गोवा है, गोवा में इतना सन्नाटा क्यों भाई। अभी मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो ये लगता है हैपनिंग प्लेस है, लाइक यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा इधर आते हैं, और ये मेन रोड है, लाइक दिस गोज़ टू द बीच, तो इस वजह से इस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, ये रहा चर्च, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि बाइक से मैं गोवा आऊँगा, वेल गोवा आने का मेरा मन तो था, लेकिन मैंने सोचा था कि लाइक यू नो बस से आऊँगा या फिर फ्लाइट से आऊँगा, ये नहीं सोचा था कि बाइक से आने का चांस मिलेगा मुझे। ओके, तो हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये अंदर का रास्ता है, यहाँ बहुत सारे शॉप्स हैं, घर वगैरह हैं, नैरो रास्ते हैं इधर के, और ट्रैफिक भी अच्छा खासा है। ओके, तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, पार्किंग स्पेस है, और इस तरफ से रास्ता है बीच जाने का, तो ये है रास्ता, बीच मेरे को यहाँ से दिख रहा है। 2-व्हीलर का पार्किंग चार्जेस है 30 रुपीज़। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैं हूँ कलंगूट बीच में, और यहाँ का व्यू देखो, इतने सारे लोग, इतना क्राउडेड है ये बीच, बहुत सारे लोग हैं उस तरफ भी, आप देखोगे बहुत सारे उस तरफ लोग हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ सारे वाटर एक्टिविटीज़ इस तरफ हो रहे हैं, उस तरफ भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी वाटर एक्टिविटीज़, बोट राइड्स एंड एवरीथिंग हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे भीड़ है, बहुत लोग हैं यहाँ पे इस वक्त, द प्लेस इज़ लाइक सुपर क्राउडेड। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बीच साइड कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उस तरफ आप देखोगे तो उस तरफ जो है, उस तरफ बागा बीच है, तो यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, अपन लोग लाइक वॉक करके भी वहाँ तक जा सकते हैं, बागा बीच तक जा सकते हैं। मैन, द प्लेस इज़ रियली नाइस एंड इट्स सुपर क्राउडेड, यहाँ बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू डू एनी वाटर एक्टिविटीज़, बट या लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, सो मैं निकल चुका हूँ कलंगूट बीच से, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ वैगाटोर, वहाँ पे एक फोर्ट है और बीच भी है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। भाई ये दोनों बीच भी काफ़ी अच्छे थे, उसके बगल में ही बागा बीच भी था, सो आराम से वॉक करके आप एक बीच से दूसरे बीच जा सकते हो। मैंने भी वही किया, दोनों बीच को मैं ऐसे चल करके कवर किया, अच्छा था, दोनों बीच काफ़ी अच्छे थे। टूरिस्ट भी अभी इस वक्त काफ़ी आए हुए हैं, द प्लेस वॉज सुपर क्राउडेड, अगल बगल चारों तरफ इतने लोग, इतने सारे कैफ़ेज़, इतना अच्छा माहौल, द वाइब, एवरीथिंग वाज रियली नाइस, काफ़ी मज़ा आया दोनों बीच घूम करके। और अभी हम निकल चुके हैं वैगाटोर की तरफ, जो कि लगभग 8 या 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है बागा बीच से,
बहुत स्कूटी है भाई यहाँ पे, जितने भी ये सब स्कूटी आप देख रहे हो सब रेंटेड है। क्योंकि नॉर्मली मेरे ख्याल से जितने ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ पे स्कूटी हायर करते हैं, और स्कूटी हायर करके यहाँ पे घूमना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत अच्छे तरीके से आप यू नो गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन टू व्हील, स्पेशली फॉर टू पीपल, और सिंगल लोग के लिए भी सही है। कन्वीनियंट भी पड़ता है और चीप भी पड़ता है कंपेयर टू हायरिंग अ कैब, और आप आराम से अच्छे से घूम सकते हो, जहाँ आपको रुकने का मन हो वहाँ रुक सकते हो। सो इट्स गुड, द ऑप्शन इज़ गुड। गोवा में पता है सबसे बेस्ट टाइम घूमने का कब है? शाम के वक्त। शाम के वक्त में जो गोवा में माहौल बनता है ना, स्पेशली बीच साइड में, बीच के साइड में अगर शाम के वक्त जाओगे तो वहाँ का सीन ही कुछ अलग रहता है। पार्टी शार्टी पूरे होते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। तो शाम के वक्त सबसे बेस्ट टाइम है। अभी इस वक्त में ना, इस वक्त में और ज़्यादा अभी ट्रैफिक और ज़्यादा क्राउड गैदर होंगे इधर बीचेस में स्पेशली। आई थिंक ये है पार्किंग स्पेस। ऑलराइट गाइस, राइट नाउ आई एम इन चपोरा फोर्ट, जो कि गोवा का सबसे फेमस सबसे पॉपुलर फोर्ट है। और ये फोर्ट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे एक मूवी का शूटिंग हुआ था जो कि है दिल चाहता है। सो इफ़ यू रिमेंबर, उसका शूटिंग लोकेशन ये फोर्ट ही था, जिसके वजह से ये फोर्ट काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं इस फोर्ट से। लाइक ये फोर्ट हाइट पे है और जब आप यहाँ पे आते हो तो चारों तरफ से लाइक आपको समुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है और व्यू पॉइंट्स पे आप जाओगे तो वहाँ से पूरा आपको समुंदर दिखाई देगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये प्लेस काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छा ये प्लेस है, और यहाँ पे कोई ऐसा फीस नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंट्री यहाँ पे फ्री है, बट आपको पार्किंग लाइक व्हीकल पार्किंग के लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सा, आपका कौन सा व्हीकल है। फोर व्हीलर के लिए डिफरेंट है, टू व्हीलर के लिए डिफरेंट है, तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई चार्जेस नहीं है। और जब आप इस फोर्ट की तरफ आओगे तो बहुत सारे लाइक खाने पीने के शॉप्स भी रहेंगे, तो अगर आपको अपने लिए कुछ लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, व्यू पॉइंट्स जाऊँगा, वहाँ से देखूँगा वहाँ से व्यू कैसा आता है, और उसके बाद फिर मैं वैगाटोर बीच जाऊँगा। बीच जा कर के वहाँ पर कुछ खाओ पीऊँगा और फिर वहाँ पर होपफुली सनसेट इन्जॉय करूँगा। सो लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड। चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं फोर्ट से और अभी चलते हैं बीच की तरफ। ट्रैफिक, ये फोर्ट से व्यू काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद आया व्यू। सनसेट के टाइम पे बेस्ट है, इवन सनराइज़ के टाइम पे भी, बट सनसेट के टाइम पे ज़्यादा खूबसूरत लगता है जगह। राइट गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन वैगाटोर बीच एंड मोस्ट लाइकली ये मेरा आज का दिन का लास्ट बीच रहेगा और लास्ट लोकेशन रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे सनसेट होने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा, सनसेट इन्जॉय करूँगा। यहाँ अभी इस वक्त काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए हैं। काफ़ी तेज़ यहाँ पे हवा भी चल रही है और पानी की जो लहरें हैं लाइक इट्स वेरी हार्श, बहुत ज़ोर की लहरें लाइक ऊपर तक आ रही है एंड आवाज़ भी काफ़ी ज़ोर का आ रहा होगा। शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग सनसेट, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद आपको सनसेट दिखाऊँगा। और तो प्लान है कि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा चिल करूँगा, रिलैक्स करूँगा। यहाँ पे कैफ़ेज़ भी है तो वहाँ पे जा कर के कुछ कैफ़ेज़ में जा कर के इन्जॉय करूँगा और अपना आज का दिन यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई विल सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.
Thank you.